प्रॉब्लम से रिविजन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम ये सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, लास्ट 10 ईयर जो भी होते हैं अगर इनको हम पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। एंड मेरा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं या फिर रिव्यू करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। एक्चुअल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी होता है वो हमारे पूरे सब्जेक्ट की या फिर सिलेबस की एक समरी होती है। ये हमें एक क्रैश कोर्स की तरह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, जिससे हम अगर हमने पूरा टाइम पूरे साल नहीं पढ़ाई की है या किसी सिचुएशन की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर हम ये सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, लास्ट 10 ईयर जो भी होते हैं अगर इनको हम पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। एंड मेरा यकीन मानिए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर सिर्फ और सिर्फ आप ये प्रीवियस ईयर लास्ट 10 ईयर्स जो भी हैं क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स के साथ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए अगर आप सभी सब्जेक्ट के सभी ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं एंड इसका सॉल्यूशन भी अगर चाहते हैं, तो आप हमें 1000 लाइक एंड 1000 कमेंट का टारगेट हमारा जो है उसे कंप्लीट करने में हमारी हेल्प कीजिएगा। देन मैं इसका सॉल्यूशन भी आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आप इसे अटेम्प्ट कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन आपको टाइम मैनेजमेंट, शीट मैनेजमेंट एंड प्रेजेंटेशन का बहुत अच्छे से पता चल जाता है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर से है, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री का है, July 2013 का। ऑल जो हमारी जो एक्सटर्नल थ्योरी होती है 75 मार्क्स की होती है। एंड जो हमारा टाइमिंग है, हमें क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए जो हमें टाइम मिलता है वो होता है 3 आवर्स का। नोट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, हर क्वेश्चन पेपर में बोलती हूँ, नोट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम हमने इम्पॉर्टेंट नोट नहीं पढ़ा था, जिसमें लिखा गया था पेंसिल इज़ रिस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, ब्लू स्केच यूज़ नहीं करना है, ओनली बॉल पेन यूज़ करना है। तो मैं नहीं पढ़ पाई थी, मैंने फर्स्ट जो 2 पेजेस थे वो मैंने ऐसे ही अटेम्प्ट करे जिस तरीके से मैं करती थी। देन मुझे बाद में पता चला, तो मुझे नहीं पता उसका क्या रिज़ल्ट आया, क्या किसा असर पड़ा, बट क्लियर तो मेरा हो गया। खैर, बट फिर भी ये नोट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अटेम्प्ट सेक्शन ए एंड बी इन सेपरेट आंसर, मोस्ट ऑफ द टाइम सेम नोट रहता है, बट कई बार कुछ अलग भी दिया जाता है, तो पढ़ना जरूरी होता है। इसको पढ़े बिना आप क्वेश्चन पेपर स्टार्ट ना करें। सेक्शन, इसमें हमें 2 सेक्शन दिए गए हैं, जिसके लिए हमें आंसर शीट भी 2 मिलेंगी। सेक्शन ए न्यूट्रिशन है, सेक्शन बी हमारा सेक्शन बी है हमारा बायोकेमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन का देखते हैं हम, डिस्कस द रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन हेल्थ एंड डिजीज। रोल बताना हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इन हेल्थ एंड डिजीज में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिंस, ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ विटामिन सी इन बॉडी इन हेल्थ एंड डिजीज। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विटामिन सी या फिर जितने भी विटामिंस है ओवरऑल, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, सभी बहुत बार रिपीट होते हैं और टोटल 15 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आता है। तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा फ्रेंड, अगर आप अच्छे से मार्क्स लेना चाहते हैं तो। क्वेश्चन 3 है हमारा, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ 3। शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है क्वेश्चन ए माल एब्जॉर्प्शन। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन की लिस्ट है वो चाहते हैं, देन आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिस्ट मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन बी हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्वेश्चन सी हमारा मिड डे मील प्रोग्राम, कोई ना कोई एक प्रोग्राम जरूर आता है शॉर्ट नोट में। क्वेश्चन डी हमारा डाइट्री फाइबर, ये है हमारा 5 × 3 = 15, यानी कि 15 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है।
तो यहाँ से हमें टोटल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 4 दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में आता है हमारा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे डिफाइन फैट। फ्रेंड्स, बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चन के बारे में। डिफाइन फैट्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स, एनुमेरेट वेरियस टेस्ट डन इन लिपिड प्रोफाइल एंड देयर नॉर्मल वैल्यूज। ये हमारा 2+3+5=10 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है, जिसमें 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस ब्रीफली, जिसमें शॉर्ट नोट आता है हमारा। क्वेश्चन ए, ज़ीनोबायोटिक्स। क्वेश्चन बी, अमोनिया इंटॉक्सिकेशन। क्वेश्चन सी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्वेश्चन डी हमारा पॉलीसैचराइड्स। ये हमारा टोटल 5×4=20 मार्क्स का क्वेश्चन है। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।